भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अचानक अलविदा कहने पर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने कहा है कि कोरोना ने धोनी के करियर को खत्म किया है, नहीं तो वो T20 विश्व कप में जरूर खेलते। कुलदीप यादव ने और मेरे करियर में धोनी ने बहुत मदद की। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हमें बाकी बारीकियों को बताया, अगर कोई गलती होती थी तो वो ही हमें समझाते थे। उनके विकेट के पीछे खड़े होने से हम दोनों ही बहुत खुश रहते थे। चहल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं और मैं चाहूंगा कि वो अब भी खेलें। चहल ने कहा कि धोनी अगर मैदान पर रहते थे तो मेरा 50% काम हो जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी को पहले से ही पता होता था कि पिच का बर्ताव कैसा होगा और इससे हमें मदद मिलती थी। अगर वो नहीं होते तो हमें पिच के बारे में समझने में ही 2 ओवर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशि श्रीनिवासन ने भी कहा कि 2 बार के विश्व कप विजेता कप्तान धोनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचा था। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि धोनी के संन्यास से एक युग का अंत हो गया। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि जब धोनी कहते हैं कि वो संन्यास ले रहे हैं तो ये एक युग के खत्म होने जैसा है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 T20 विश्व कप जीता, 2011 में विश्व कप हासिल किया। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की सफलता भी है। वो एक उत्कृष्ट कप्तान, एक शानदार विकेटकीपर, एक आक्रामक बल्लेबाज है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरी टीम को प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए हासिल करने के लिए और क्या बचा था। हर खेल प्रेमी जानता है कि किसी समय वो संन्यास की घोषणा कर देंगे। मुझे दुख है कि वो फिर से भारत के लिए मैदान पर नहीं उतरेंगे, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि CSK के लिए वो खेलना जारी रखेंगे। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि वो क्रिकेट के मैदान में दिखेंगे। CSK अब वैश्विक ब्रांड है, लोग इस बात को लेकर खुश होंगे कि वो उनके कौशल को मैदान पर देख सकेंगे। श्रीनिवासन से जब पूछा गया कि धोनी कब तक खेलेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि वो हमेशा खेलें। आपको बता दें कि MS धोनी ने अपने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को 15 अगस्त 2020 को अलविदा कह दिया था। धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी इसी दिन क्रिकेट से संन्यास लिया था। ARP न्यूज रूम की रिपोर्ट।